हमारी भी तो कोई पहचान होगी, हम कौन हैं, हम कैसे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैं कैसा हूं अपने बारे में? बच्चे, आप लोग, बड़े, कोई भी बता कि मैं ऐसा हूं। अब कैसे अपना परिचय देना है, अपना परिचय कोई कैसे देगा? आपसे अगर कोई पूछता है आप अपना परिचय दीजिए, तो आप परिचय कैसे देंगे? मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम गुप्ता जी है, ऐसे ही करके बोलते हैं ना। मैं इस गांव में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ, उस मोहल्ले में रहता हूँ, यही बोलते हैं। नहीं, ये परिचय नहीं, ये परिचय मेरा नहीं है। ये परिचय मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका नाम आपने रखा। आप में से कोई एक बता दे कि मेरा नाम मैंने ही रखा है। आप में से कोई एक भी बता दे जिन्होंने अपना घर खुद ही बनाया है, जन्म लेने से पहले ही घर बनवा दिए, ये मेरा घर है। कोई है? यानी घर मेरा नहीं है, वो मेरे बापूजी का घर है, उन्होंने मुझे दिया है। नाम मेरा नहीं है, वो भी मेरे बाबूजी माताजी का है, उन्होंने दिया है, मेरा नहीं है। तो जिसको हम मेरा कहते हैं वो मेरा तो है ही नहीं। जिस घर को मेरा कहते हैं वो मेरा है ही नहीं। जिस गांव को मेरा कहते हैं वो गांव भी मेरा कहां है? उस गांव में तो मेरे माताजी पिताजी रहते थे, मैंने वहां जन्म ले लिया तो वो गांव मेरा हो गया बस, लेकिन वो गांव मेरा नहीं है। तो मेरा जो सच्चा परिचय है वो क्या है? सच्चा परिचय कौन बताएगा? अगर आपको कोई आकर कहे कि भाई आप बड़े बेईमान हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आपने मेरी तारीफ की? आप धन्यवाद दोगे? आप उसको मिठाई खिलाओगे? लेकिन अगर आप कभी शांति से बैठते हैं और आप निरीक्षण खुद को करते हैं और आप अपने आप से कहते हैं मैं बड़ा क्रोधी हूं, मुझे क्रोध बहुत आता है, बात बात में क्रोध आता है, कभी आपने ऐसा सोचा? कभी आप बैठे हैं और आप अपने आप का निरीक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बड़ा आलसी हूं, कल रात में सोया था ये सोच करके सुबह 4 बजे जगूंगा, लेकिन अलार्म भी बजा, अलार्म बंद करके मैं सो गया, 5 बजे भी बजा फिर बंद करके सो गया और 6 बजे उठा हूं, मैं बड़ा आलसी हूं। ऐसा कभी मन में विचार आया? सुबह 10 बजे पहुंचना है बाजार महत्वपूर्ण काम से, लेकिन पहुंच रहा हूं 12 बजे, मैं बड़ा लेट लतीफ हूं, समय का पाबंद मैं नहीं हूं। मैंने सोचा था कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन आधे घंटे के बाद ही मैं सो गया, यानी कि मैं अपने वचन का पक्का नहीं, ये मुझे पता चल रहा है। मैं ईमानदारी का पाठ पढ़ता हूं किताबों में, लेकिन अगर मैं कहीं जाता हूं और कोई महंगी चीज दिखाई देती है तो मेरे मन में बेईमानी आ जाती है। कभी ऐसे ख्याल आए कि मेरा मन बेईमान है, मेरे मन में बेईमानी आती है, मेरे अंदर ये सारी बुराइयां हैं, लेकिन मेरी इन बुराइयों को कोई मेरा गांव वाला, कॉलोनी वाला, मोहल्ले वाला, कोई मेरा साथी अगर कह देता है तो मैं तुरंत से अंदर से आग बबूला हो जाता हूं, जबकि ये मेरी सच्चाई है। मुझे पता है कि ये मेरी सच्चाई है कि मैं क्रोधी भी हूं, मैं लालच भी करता हूं, मैं आलसी भी हूं, मैं समय का पाबंद भी नहीं हूं, समय का महत्व तो मेरे पास नहीं है, फिजूल खर्च मैं करता हूं, सब मुझे पता है। लेकिन जिस दिन कोई और कह देता है उस दिन मैं नाराज हो जाता हूं, होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कम से कम इस सत्र के बाद आने वाले समय में पूरी जिंदगी हम अब रोज अपना निरीक्षण करेंगे कि हम क्या हैं, अपना परिचय। अब इस अपने परिचय से होगा क्या? मान लीजिए आपका नाम राम प्रसाद है, तो राम प्रसाद जी आप हैं, बचपन में 10 साल की उम्र में भी राम प्रसाद जी आप हैं, 25 साल के होंगे तो भी राम प्रसाद जी हैं, 75 साल के होंगे तो भी राम प्रसाद जी हैं। बदलाव क्या आया? कुछ नहीं आया। लेकिन अगर 20 साल की उम्र में आपको पता चल जाता है कि मैं बेईमान हूं, मेरे अंदर बेईमानी आ रही है, मेरे अंदर लालच आ रहा है, मैं क्रोधी हूं, मैं आलसी हूं, अगर आपको ये पता चल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे?
क्या आप चाहेंगे कि 20 साल में मुझे पता चला कि मैं आलसी हूं, मैं क्रोधी हूं, तो 75 साल की उम्र तक मैं आलसी, क्रोधी और लालची बना रहूं? क्या ऐसा होगा? आप क्या चाहेंगे? जिस दिन आपको आपके आपसे स्वयं से परिचय होगा, उसी दिन से कहेंगे नहीं, अब मैं सुधार करूंगा। करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? सुधार करेंगे। सुधार करते करते होगा कुछ महीने सालों के बाद कि आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। इसी से इंसान में परिवर्तन होता है।